चले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, घर पे आने का और संगत के साथ आने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के बारे में बोलना क्या, जब तक आप गुरु जी को फील नहीं कर पाएंगे ना, तो इनको बोलना या इनके बारे में समझना बहुत ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि 2014 में उस बुक का ही शुक्राना है जो गुरु जी से मिलने का मौका मिला। मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो बस किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अब गुरु जी क्या जाओ ठीक हो जाए। तब हम इतना तो किसी को भी बिलीव नहीं होता, नॉर्मल माइंड से ऐसे कोई भी नहीं मान पाता, पर उनके कहने पे क्योंकि वो बहुत अच्छी संगत थी, मतलब वो मेडिटेशन बहुत करते थे, उनके ऊपर ट्रस्ट करके गुरु जी के पास चले गए। संगत जी वहाँ जाने के बाद एक तो उनकी तबीयत गुरु जी ने ब्लेस की, बहुत जल्दी उनकी रिकवरी हुई, टाइम लगा बट फिजिकली मेंटली वो बहुत जल्दी अच्छे हो गए। जो ज़्यादा टाइम लगना था वो मुझे लगता है 1-2 महीने में वो रिकवर कर गए। और हमारा क्या हुआ कि हम बस गुरु जी के पास जाने लगते, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, हमें कुछ नहीं पता चलता था, बट ये लगता था कि एक खिंचाव सा था कि हर सैटरडे ना हम कहीं नहीं जाते थे, कोई पार्टी नहीं, कहीं नहीं, कोई वीकेंड्स, बस हम, हमारे बच्चे छोटे थे, कभी मेट्रो से कभी बाइक से, बस हम गुरु जी के चले गए थे और गुरु जी बुलाते थे, बैठाते थे। पहले उन्होंने बहुत परेशान, उन्होंने बहुत पीछे बैठाते, बहुत ज़्यादा पीछे। तो और बड़े मंदिर में थोड़ा स्पेस का है, अब संगत इतनी बढ़ रही है गुरु जी की, उनकी महिमा इतनी है कि संगत मतलब आप बिल्कुल स्पेस बहुत कम होने लग गया वहाँ पे, जब हम जाते थे तब भी कम था, अब तो और कम हो रहा है, क्योंकि गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं कि संगत उनकी दिमाग में तो हो ही जाती है। तो बस मैं जाती थी, बहुत पीछे बैठती थी, बट जब वहाँ जाने लगते हैं धीरे धीरे, पता नहीं शायद गुरु जी वो एंट्री लेते हैं ना, पहले तो बुलाते हैं, आपका भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं, जब वो पढ़ने लगा, कुछ फील हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा, तो संगत जी हमें छोटे बच्चे के बावजूद भी कई बार दरबार में आधे आधे घंटे बैठने को मिलता था और कोई नहीं उठाता था, बाकी आसपास बैठे हैं संगत को जिनके पास बच्चे वो अनाउंस करते थे, अगर प्लीज अब आंटी जिनके पास छोटे बच्चे चले जाओ, और जब मैं उठने लगती थी कोई सेवादार अंकल बोलते थे आप बैठ जाओ। तो हो सकता है गुरु जी को ये भी था कि मुझे दिल्ली छोड़ना है और बस। तो उस 1-2 साल गुरु जी ने बहुत प्यार दिया, लंगर भी खिलाया हर सैटरडे संडे, और गुरु जी की कृपा से गुरु जी मंदिर में सेवा भी किए, और मैं बड़ा वो करती थी कि मंदिर में सेवा पता नहीं कैसे मिलती है, और किसी को जानती नहीं थी, मेरी आदत भी नहीं है ज़्यादा इंटरेक्ट करने की, किसी से नंबर लेने की, मतलब किसी ने बोला था मुझे कि अगर गुरु जी को पाना है तो सिर्फ गुरु जी को पकड़ो, किसी के पीछे मत भागो। वो बात ना मेरे दिमाग में मतलब सेट कर गई थी, मैंने कहा किसी को नहीं बोलूँगी सेवा के लिए, और गुरु जी अगर आपको करवाना है तो आप बताना, मेरे में है वो क्षमता तो आप बताना। और गुरु जी ने पूरे 1 महीने मंदिर में सेवा दी। तो ये संगत जी चंडी में भेजने से पहले गुरु जी ने सारा मतलब मुझे ब्लेस किया, सो उनका हर सवा सर पर शुक्राना। तो बस मुझे अपना हाथ सर हमारे सर पर रखो और हमारा हाथ मत छोड़ना, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत का शुक्राना जी की दूर से आए हैं, और सेवादार अंकल आंटी सबका शुक्राना, गुरु जी, गुरु जी के चरणों में गुड गुड प्रणाम मनावी संगत को। The satsang was not planned initially, and we went to a satsang I think last week in Jaipur, and there was one auntie who is here only, she's Harjeet auntie. So Guruji has given her a strong telepathy message that he told her that he wanted to come here. So as he said, we started doing this and everything was, you know, and started taking healthy. So initially Guruji started taking tests, you know, when we started the light goes off, it's not going and everything was going haywire. But somehow it all went smoothly
days. So thank you, Guruji. Thank you all for coming. And we are truly blessed that we found Guruji. And we always say the best are those who found Guru. Without Guru, you cannot go anywhere. You always need a Guru to lead your life. So those guys whose anger is on this driving seat is by Guruji, being sinful. So Madhuri Mandal, just have to believe and do the complete surrender, and just everything is okay. I was doing very normal when I started my career, but now I am with Guruji Grace. I'm doing so well. I've got a lot of projects piped up, and initially Guruji restored me a wonderful project where I'm going to meet a health minister and probably prime minister of India. So that is all Guruji blessings. So thank you, Guruji. Thank you for coming. Jai Guruji. Shubha Namaskar.